जैसा कि आप सारे जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर में पेपर दे के, पेपर होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, अब तो सारे जानते हैं कि वो क्यों बैठे हुए थे, जो उनका मेन काज था किस लिए, ठीक है, वो बैठते हैं, एक महीना हो जाता है उन्हें बैठे हुए, सिर्फ हमारी जो डे वन से डिमांड थी, जो डे वन से हमारी मांग थी कि इन बच्चों को क्या चाहिए था एश्योरेंस कि आपने, क्योंकि जब कमेटी बिठाई गई तो बच्चों को ये लगा कि कमेटी की एंड से कि भाई जब हमें इनपुट्स अंदर से आने लगे कि ऐसा सुनने को मिला, इनपुट्स कोई ऑफिशियल नहीं था मगर ऐसा जब हमें सुनने को मिलने लगा कि भाई ऐसा आपकी लिस्ट के साथ कोई ऐसी छेड़खानी की जा सकती है तो जहाँ फिर आपकी लिस्ट को स्क्रैप किया जा सकता है, तो हमने डे वन से जो है एश्योरेंस की डिमांड की। मगर आपने भी देखा होगा, सब ने ये देखा कि हमने 30 दिन तक वहाँ पे अपने आप को रगड़ा, जम्मू में भी रगड़ा सर, कश्मीर में भी रगड़ा, मगर हमें जो है किसी ने एश्योरेंस नहीं दी, किसी ने भी हमें जो है एश्योरेंस नहीं दी। बट एट दी एंड हम क्या करते हैं कि दिल्ली के लिए एक अपनी डेलीगेशन लाते हैं, क्योंकि दिल्ली का भी हमारा पहले प्रोटेस्ट का प्लान था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पे जाके, ठीक है, तो जब हम कि दिल्ली प्रोटेस्ट करेंगे, मगर 15 अगस्त जो आ रहा था उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जब वहाँ पे पूछा भी, क्लियर किया, और जहाँ हमें सुनने को मिला कि सेक्शन 144 लागू था जिसके चलते हुए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट सर नहीं कर सकते थे, तो फिर हमारी एक डेलीगेशन आती है, डेलीगेशन आके हमने कुछ मिनिस्टर से, कुछ लीडर से मिलने की कोशिश की और हमारी मीटिंग्स भी हुई और हमें उनके एंड से भी वो एश्योरेंस तो नहीं मिली मगर हाँ एक आश्वासन उन्होंने जरूर दिया कि आपका लिस्ट के साथ जो है हम कोशिश करते हैं, एलजी सर से बात की जाएगी, हम कोशिश करते हैं उन ऑफिशियल्स के साथ बात की जाएगी कि आपकी जो है सीबीआई भी, हमने कहा था उनसे कि सर आप सीबीआई करवाना चाहते हैं सीबीआई करवा लो, जो भी अगर बस जो हमारी डे वन से स्क्रैप के खिलाफ लड़ाई थी, स्क्रैप के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी हुई थी सर, हम वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस बार जो आप बिना सुने बिना समझे छोटी सी रेगुलरिटी पाई जाती है तो आप लिस्ट को स्क्रैप कर देते हो। वो सारी बातें हमारी उनके साथ हुई कि सर स्क्रैप इज नॉट द सॉल्यूशन, स्क्रैप के ही खिलाफ हम जम्मू से चल के उनके पास आके मिले, उन्होंने भी हमें यह आश्वासन दिया है कि हम अपने एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो है स्क्रैप लिस्ट को ना किया जाए, बाकी इन डेप्थ प्रोब हो या जो कुछ भी नया हो तो वो हम जो है आगे देखेंगे। अब आप क्या करेंगे? और हमारा अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन है कि इन केस फिर भी हमारे साथ कुछ भी मींस की लिस्ट के साथ स्क्रैप या कोई भी ऐसी छेड़खानी की गई तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन हम लीगल वे से भी चलेंगे, और देख ही रहे हैं कि हमने होम मिनिस्ट्री में भी अपनी ग्रीवांस में वो डाल दिया हुआ है, तो यो जो हमसे लीगल वे बन पड़ेगा। एट द एंड कंक्लूजन सर ये है कि इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे, तब तक रखेंगे एंड तक कि जब तक ये स्क्रैप वाली पॉलिसी जो आप चला रहे हो ये चीज आप दिमाग से खत्म ना कर दें। हमने भी ये ठान ली है कि ये स्क्रैप हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए जो कुछ बन पड़ेगा वैसा ही हम करेंगे। आज दिल्ली है, अगर कल यहाँ पे बैठना भी पड़ा प्रोटेस्ट 15 अगस्त खत्म हो जाएगी, अगर कल प्रोटेस्ट के लिए भी बैठना पड़ा इसी जंतर मंतर में, ये मिसाल दे दी कोई बंदे की बातें को भूत बना रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, ये तो हम इस टाइम कहाँ बैठे हुए आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मंदिर में कहाँ बैठे हुए, डेमोक्रेसी के मंदिर के पास हम बैठे हुए हैं। तो अगर जैसे ही 15 अगस्त सर खत्म होता है तो प्रोटेस्ट भी जो हमने कहा हुआ है कि पूरे जोर प्रोटेस्ट किया जाएगा जंतर मंतर के बाहर सर,